नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम समानता का अध्ययन करेंगे। समानता का अर्थ एवं समानता की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम समानता का अर्थ क्या है इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लोगों की धारणा होती है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसलिए सबको समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर अप्पादुराई का कहना है कि सब मनुष्य समान हैं, वैसा ही भ्रमात्मक है जैसा कि यह कहना कि पृथ्वी की सतह समतल है। समानता समाज की वह व्यवस्था है जिसमें सब व्यक्तियों को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं, सबको अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। समानता के दो अर्थ निकल कर के सामने आए हैं। पहला है समानता का भ्रामक अर्थ, इसका अध्ययन करेंगे। जनसाधारण द्वारा समानता शब्द का प्रयोग जिन रूपों में किया जाता है वह अत्यंत भ्रामक है। कुछ लोगों के अनुसार सारे मनुष्य समान हैं, अतः सब लोगों को एक सा भोजन, एक सी शिक्षा, एक सा मकान और एक सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किंतु जिस आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है वह आधार स्वतः उपयुक्त नहीं। वास्तव में समानता का अर्थ समरूपता नहीं, इसका अर्थ यह है कि सब व्यक्तियों को समान बना देना चाहिए। संसार में प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, रंग रूप इत्यादि में सारे मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः समानता का यह अर्थ नितांत भ्रामक एवं गलत है। समानता का जो दूसरा अर्थ सामने आया है, समानता का वास्तविक अर्थ, इसके विषय में यह सत्य है कि सब मनुष्य समान नहीं होते, परंतु प्रकृति अपनी शक्तियों का समान रूप से वितरण करती है। अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, सबको अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यही नहीं, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि प्रकृति प्रदत्त असमानताओं में कुछ कमी आ जाए। इस तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में समानता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनमें सब व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त होते हों और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो जाए जिसका मूल सामाजिक विषमता है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि असमानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाना चाहिए। समानता का सही अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे और सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। समानता के अर्थ दोनों अर्थों का अध्ययन किया। अब हम समानता की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर लास्की ने समानता की परिभाषा देते हुए कहा है कि समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का
यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है। इसी क्रम में प्रोफेसर एवं समाजसेवी रसदल महोदय ने समानता की परिभाषा देते हुए कहा है कि समानता का अर्थ है कि बराबर बालों में समानता और असमान स्तर के व्यक्तियों में असमानता, अर्थात अन्य बातों के समान होने पर मेरा हित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति का हित। इस प्रकार आज हमने समानता का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया। धन्यवाद।